हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नोवेदांत चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। काफी टाइम से मैं विशिंग वेबसाइट स्क्रिप्ट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं और उसमें मुझे काफी अच्छे व्यूज और कमेंट्स मिल रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी विशिंग वेबसाइट स्क्रिप्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी इवेंट स्क्रिप्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। आप सब जानते हैं कि ये जितनी भी स्क्रिप्ट होती है व्हाट्सएप पे बहुत वायरल होती है, चाहे वो IPL हो, फुटबॉल के मैचेस हो या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल हो। जितने भी इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, आप इनकी स्क्रिप्ट को कॉपी करके व्हाट्सएप पे वायरल कर सकते हैं या फिर आप अपने फेसबुक या जो भी आपके सोर्सेज है उनके थ्रू आप इस स्क्रिप्ट को सेंड करके पैसे कमा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आप इन स्क्रिप्ट को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से सर्च कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपने गूगल में जाना है और वहाँ पे आपने फ्री विशिंग वेबसाइट स्क्रिप्ट लिखनी है या फिर आपको इवेंट स्क्रिप्ट लिखनी है या फिर व्हाट्सएप वायरल स्क्रिप्ट। आपको पर्टिकुलर एक फेस्टिवल या फिर इवेंट का नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप यूट्यूब में जाके भी फ्री विशिंग वेबसाइट लिख सकते हैं, व्हाट्सएप वायरल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या फिर इवेंट स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। वहां से आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा डेमो मिलेगा या फिर स्क्रिप्ट डाउनलोड करने को मिलेगी। ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी अर्निंग के लिए बना रहा हूँ, जिससे आपको ये वेट ना करनी पड़े कि आपको जिससे भी स्क्रिप्ट लेनी है पहले आप उसकी कंडीशन पूरी करें और उसके बाद आपको स्क्रिप्ट मिले। जो वे मैं आपको बता रहा हूँ उस वे से आप डायरेक्ट उस स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक करें और उसके बाद ये जो बेल का आइकॉन देख रहे हैं इसको जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा। फ्रेंड्स, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट ओपन होगी और वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है, मींस आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपने सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन इसके ऊपर आप टिक कर देंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे एंड इंस्टॉल। जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी ऑलरेडी ये लॉन्च पे टिक है और यहाँ से आप इसको फिनिश कर देंगे। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेज होता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें कोई भी नेक्स्ट पेज की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक शेयर की ऑप्शन मिलेगी। और कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे फिर उसके बाद आप प्रोसीड पे या फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। तो ये दोनों केसेस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्क्रिप्ट को कैसे कॉपी करना है। सिर्फ इसमें आपको कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस भी करने हैं। आपके पास जो भी इवेंट स्क्रिप्ट है आपने उसके URL को कॉपी करना है और उसके बाद आप इस एरिया में, आप ये जो देख रहे हैं सबसे टॉप पे लिखा है, इस एरिया में आप उसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद ये लिखा है कॉपी वेबसाइट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा डू यू वॉन्ट टू क्रिएट द फोल्डर और यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे और कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये विशिंग वेबसाइट आपकी पूरी कॉपी हो जाएगी। और ये जो लिखा है ओपन आउटपुट फोल्डर, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये 3 फाइल्स आ गई है, पर ये जो सेकेंड और थर्ड नंबर पे फाइल है इसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्क्रिप्ट सिर्फ सिंगल पेज की होती है, तो इसलिए आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, आपकी ये सिंगल पेज की स्क्रिप्ट पूरी कॉपी हो चुकी है। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था, पर अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट पेज वाली या फिर प्रोसीड पेज वाली स्क्रिप्ट होती है उनको आप कैसे कॉपी करेंगे। मैंने गूगल से ही इस वेबसाइट को सर्च करा है, ये मेरी वेबसाइट नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि आपने इसको कैसे कॉपी करना है। यहाँ से आपने इसके URL को कॉपी करना है और उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है, आपने इस एरिया में उसको पेस्ट कर देना है और कॉपी वेबसाइट पे आप क्लिक कर देंगे। डू यू वॉन्ट टू क्रिएट, इस पे आपने यस करना है। सेम इसका वही प्रोसीजर है, पर इसके अंदर जाके आपको कुछ चेंजेस करने हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया, आपने ये जो इंडिपेंडेंस डे वाली स्क्रिप्ट को डाउनलोड करा था आपको एज इट इज अपलोड नहीं करनी है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस में जाएंगे और यहाँ पे आपने गूगल की एड्स को चेंज करना है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और जहां जहां पे भी आपको गूगल की एड्स दिखेंगी आपको अपनी एड से उसको रिप्लेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एड शो कर रही है, आपने इसको अपनी एड्स के साथ रिप्लेस करना है। जितनी भी स्क्रिप्ट के अंदर एड्स होंगी सबको आपने रिप्लेस करना है और उसके बाद आपने इसके URL को भी चेंज करना है। आप इस स्क्रिप्ट को जहां पे भी अपलोड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग पे कर रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट पे भी कर रहे हैं, तो उसके URL को आप यहां से रिप्लेस करेंगे। अगर आप इस लिंक को रिप्लेस नहीं करेंगे और जब आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे और उस केस में आपका लिंक शेयर नहीं होगा, जहां से आपने डाउनलोड करी है उसकी वेबसाइट प्रमोट होगी, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पेज वाली स्क्रिप्ट को कैसे आपने कॉपी करना है,
जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपने ओपन आउटपुट फोल्डर में जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारी फाइल्स दिखेंगी और मैंने आपको बताया था आपने इस फाइल को और इस फाइल को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपके पास यहाँ पे दोनों फाइल्स आ चुकी है, index.html और invite.html। अब मैं आपके सामने इसको अभी ओपन करूंगा और जब मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करूंगा तो फ्रेंड्स देखना ये बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ भी ओपन नहीं होगा। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दिया और जैसे ही मैं बुक नाउ पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है और आप ऊपर एक्सटेंशन देखेंगे invite.htm। ये invite.htm को सर्च कर रहा है और हमारे पास है invite.html। आपको करना क्या है, index.html पे जाना है और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे आप क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड पे आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे invite.htm और उसके बाद आपने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी .html शो कर रहा है, आपने फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शो करने लगे है invite.htm। इसके आगे आपको L लगा देना है जिससे ये invite.html बन जाएगा और यही हमारी फाइल का नाम है invite.html। अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करना है और उसके बाद कंट्रोल S। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब फिर से टेस्ट करते हैं क्या ये काम कर रही है कि नहीं। मैं फिर से index.html में जाऊंगा और यहाँ पे फिर से डिटेल्स फिल करूंगा और उसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करूंगा। ये देखिए मैं डिटेल्स फिल कर चुका हूँ, अब मैं बुक नाउ पे क्लिक करूंगा और ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। और इसमें भी सेम आपको उसी चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी यहाँ पे आपको कोड मिलेंगे गूगल एडसेंस के, आपने ओरिजिनल वेबसाइट में जाना है और यहाँ पे चेक करने हैं टोटल कितने कोड्स हैं। जैसे index.html की फाइल में आपको दो कोड मिलेंगे, आपने इसी फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल की एड्स को। ये देखिए जो सबसे ऊपर शो कर रही है ये आपकी फर्स्ट गूगल की एड है जिसे आप अपनी एड के साथ रिप्लेस करेंगे और जब पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे ये आपको यहाँ पे सेकेंड एड दिखेगी। और जहां जहां पे भी आपको इस वेबसाइट का लिंक दिखेगा आपको उसे अपनी वेबसाइट के लिंक से रिप्लेस करना है, जैसे मैंने इंडिपेंडेंस डे वाले पे बताया था। अगर आपको कुछ इमेजेस चेंज करनी है या फिर आपको कोई और नाम भी चेंज करना है तो आप इस कोड को देख के कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कोई नाम चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर लिंक चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चैनल में जाएंगे और ये जो प्लेलिस्ट देख रहे हैं आप इसमें क्लिक करेंगे। मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री फेस्टिवल विशिंग स्क्रिप्ट डाउनलोड के नाम से, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे टोटल 5 वीडियोज है, जब आप इन वीडियोज को देखेंगे तो आपको हर पॉइंट क्लियर समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप इन स्क्रिप्ट्स को कैसे अपने ब्लॉगर या वेबसाइट के अंदर अपलोड करेंगे इसकी डिटेल्स भी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखा अब आपके लिए कितना सिंपल है किसी भी विशिंग वेबसाइट की स्क्रिप्ट को कॉपी करना और उसको व्हाट्सएप पे वायरल करके अच्छे खासे पैसे कमाना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहता हूं तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।